गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो पे गाइस एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी हम आ गए हैं सीगड़ फोर्ट पुणे से 40 किलोमीटर के अराउंड है, हिंजवाड़ी से आता है 50 किलोमीटर के अराउंड। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पूरा एरिया पार्किंग का है, यहाँ से फोर्ट स्टार्ट है। पार्किंग में भी एक लोकेशन है जो कि घाट दिखता है यहाँ से पूरा, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अभी तो पूरा कोहरा दिख रहा है चारों तरफ, जब कोहरा हट रहा है तो वो व्यू दिख रहा है। अभी पूरा फॉगी दिख रहा है। 50 रुपये का एंट्री है, 50 रुपीज़ एंट्री है, और आने में आपको 8-9 किलोमीटर पूरा घाट को क्रॉस करके आना है, राइड करके और ड्राइव करके। और वो जो घाट को आप चलते हुए आ रहे हो उसमें चलने का अलग ही मजा है, बहुत सही लग रहा था। मैं उस समय कैमरा ऑन नहीं किया था, यहाँ से ही सोचा था मैं कैमरा ऑन करूँगा। ज़्यादा टाइम हम आपको पूरा दिखा देंगे अभी कैसा व्यू आ रहा था, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है, पत्थर वगैरह गिरता है। वहाँ पे नोटिस भी लगा था, कॉशन फॉलिंग रॉक ऐसे करके लिखा हुआ था। सबसे मतलब कि ईजी अगर फोर्ट देखें कि अगर बगल बगल शहर के अगल बगल है तो यही है सीगड़ फोर्ट। ठंड भी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब हम निकलते हैं ऊपर के लिए, और ऊपर का जो भी होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो बी कंटिन्यू वीडियो, चलो फिर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पार्किंग है, मैंने पार्क किया है अपनी बाइक को यहाँ पे। इधर है फोर्ट, इधर से हम लोग आगे से जाने का, वो आगे से हम लोग जाएंगे लोग। ये जो व्यू है, ये कमाल का घाट। अच्छे खासे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, देखा था आप लोगों ने पार्किंग कितना था। आज सैटरडे ज़्यादा लोग आए हुए हैं, वीकेंड में ज़्यादा भीड़ रहता ही है हर जगह, जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे वीकेंड में तो भीड़ रहता ही है थोड़ा बहुत। खैर, जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं, लोग जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा गर्दी नहीं है, उतना गर्दी बोले तो इतना भीड़ नहीं है यहाँ पे। इधर से हम लोग आए हैं लोग, ये घाट से, ये पूरा घाट है बीच में, और यही घाट से होते हुए हम लोग आए हैं लोग। जिस चीज़ से भी आप आ रहे हो, बाइक या कार से, आप थोड़ा संभल के आओ इधर। जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे थोड़ा बहुत क्राउड दिखते जा रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ पर ऊपर आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे खाने के लिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कैश कैरी करो अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। मेरा जियो का है तो जियो का नेटवर्क तो नो सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पर, और अगल बगल का भी बहुत सही है, और मेंटेन किया गया है इसको, अच्छा खासा मेंटेन किया गया। जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपसे 50 रुपया लिया जा रहा है, तो उसकी वही सब मेंटेनेंस में जाता है। बच्चों के साथ आ रहे हो तो थोड़ा सा संभाल के रखना बच्चों को, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा चुल रहता है उनके अंदर, तो इधर उधर करते रहते हैं वो लोग। क्राउड एक जगह नहीं है, पूरा फैला हुआ है, कोई इधर से जा रहा है तो कोई उधर से जा रहा है। काफ़ी बड़ा फोर्ट है तो इधर उधर लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है तो एक ही में पूरा ऐसा भीड़ लगा हुआ है। याची पागा, लोग घोड़ा बांधने की जगह यहाँ पर है, और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम है। पानी लगा हुआ
गुफा का विश्राम करने की जगह है। विश्राम बोले तो आराम। बंगलों वाले बना के रखे हैं लोग, और ये है वन विभाग का विश्राम गृह। तो जो वन विभाग के लोग होते हैं यहाँ पे आराम करने के लिए बनाया गया सब। इधर पूरा खाने का बनाया गया है, खाने वाने की व्यवस्था बहुत टाइट है यहाँ पे। बस पैसा होना चाहिए जेब में आपके, कैश लेके आओ ज़्यादा से, नहीं तो अच्छा नेटवर्क है जो हर जगह काम करता है तो ठीक है। एयरटेल वेयरटेल का नेटवर्क है तो ठीक है, जियो का नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, अभी तो नो सर्विस दिखा रहा है। लोकेशन भाई बहुत खूबसूरत है यहाँ से, अभी तो ये फॉग जैसा हो गया है तो पूरा वो दिख रहा था। अब खाना बन रहा है, की बात करें हम तो लोकेशन पूरा फाइले में है, चौड़े में है, इधर उधर पूरा आपको क्राउड नहीं दिखेगा। तो कैसा है कि बहुत सारे किले में रास्ता रहता है तो वहाँ पर क्राउड दिखता है बहुत ज्यादा। ये बहुत फैला हुआ है तो अगल बगल के लोग भी, मतलब इधर कुछ लोग रह रहे हैं, इधर कुछ लोग रह रहे हैं। पीछे हम लोगों ने देखा कि मस्त खाने का बना हुआ था, वो लोग खुद का बना के रखे हैं लोग, उधर ही वो लोग रहते हैं लोग, और वो लोग खुद घर का खाना जैसा बना के देते हैं लोग। तो यहाँ पर आते हो तो खाना वाना खाने के लिए पानी आप लोग देखे, लोग जो लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे घर बना हुआ पहले जो रहते थे पानी यूज़ किया करते थे, यहाँ भी बनाया गया। मुझे लगता है ना कि एक तो कोई होगा नहाने के लिए, एक होता है पीने के लिए। बारिश तेज़ हो गई है अभी, आप पहले गए थे पूरे पूरे इंतज़ाम के साथ आए थे। आप लोग जो देखे पीछे, अभी जो सिनेमाटिक देखा वो तानाजी का स्मारक था, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। उसका पूरा नाम था श्री तानाजी मालुसर। ये है कोंडानेश्वर मंदिर। तो सूत्रों से पता चला है कि इस किले को बनाया गया था 2000 साल पहले। देखा है बहुत सारे लोग तो प्लान करके आते हैं कि हाँ यहाँ पर जाएंगे और सीगढ़ फोर्ट जाएंगे, पुणे आएंगे और सीगढ़ फोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद और जगह घूमेंगे। सीगढ़ फोर्ट घूमना है यार मुझे, ऐसा प्लानिंग करके आते हैं वो लोग। तो यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह है और बड़े में एरिया है। घूमते रहो। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं राजमाची फोर्ट पे गया था, तो वहाँ पे आप लोगों को देखा था कि वहाँ पर एक लोकेशन अपन मार्क किए थे। लोकेशन मार्क करने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं लोग, और वहाँ पे पहुँचने के बाद एक पीक पॉइंट पॉइंट करते हैं लोग और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। वो पीक पॉइंट पे जाने के लिए हम लोग प्रॉपर प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आ रहे हो ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन है इधर पीक पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऊपर जाते रह रहे हो, रास्ता आपको मिलते जा रहा है, घूमते जा रहे हो। जैसे कि अभी हम लोग हैं, ये जो पॉइंट है ये भी टॉप पर ही है, और भी हम लोग घूमते जा रहे हैं, दिखते जा रहा है कुछ जो दिखते जा रहा है, हम लोग कवर करते जा रहे हैं लोग। देखना गिरना, मैं पता नहीं कितना गहरा होगा वो, ये फॉग की वजह से समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर फॉग नहीं रहता ना तो और अच्छा व्यू आता। इतना उस मतलब इतना फॉग देख के हम लोगों को अपने गांव का याद आ गया, क्योंकि अगर जनवरी में अगर आप आते हो हमारे गांव, अच्छी तरह फॉग रहता है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी ठंड रहती है कि कितना भी पहन लो वो ठंड गायब नहीं होता है, जाता ही नहीं है। लेकिन ये जो ठंड है ना, ये इसको हम लोग गुलाबी ठंड कहते हैं। ये गुलाबी ठंड जो होती है ना, वो हम लोग के गाँव में नवंबर में आती है। जगह जगह पे वो लेक जैसा भी व्यू आ रहा है, जैसे कि वहाँ पे देखो पीछे मैंने दिखाया था, वहाँ पे भी एक नंबर व्यू आ रहा था। अगर हल्का सा फॉग कम हुआ ना तो वो पूरा व्यू दिखेगा, कैप्चर होगा अच्छा खासा। अपन बस अब ये सोच रहे हैं कि हल्का सा अगर थोड़ा सा फॉग कम हो जाए ना तो और व्यू को अपन अच्छे से कैप्चर कर ले। ये सी फिर है,
एसी कोई काम का ही नहीं इधर। क्या नाम है आपका? संकेत। नाइस। जिधर हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ से दो तीन रास्ता निकल के जा रहा है और हम लोग को इसी तरह करते करते जो रास्ता मिला हम लोग आगे निकलते गए लोग। और यहाँ पे भी दो रास्ता है, चलो देखते हैं अभी ये रास्ता ये थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, ये मुझे लगता है घुमा के लेके जाएगा। हम लोग को हर जगह ऐसा नया नया रास्ता दिख रहा है, तो जो रास्ता हम लोग को पसंद आ रहा है वो रास्ते पे हम लोग चले जा रहे हैं लोग। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. So ye hai Tilak Niwas Sthan. Iske bare mein hum baat karte hain abhi thoda. Where you at, where you been, tell me everything about you, go slow. कहा जाता है कि इस किले को पहले कोंडाना किला कहा जाता था। इस किले को जीतने के लिए बहुत सारे जंग लड़ा गया। जंग होने में एक बार तानाजी इस किले को जीतने के बाद तानाजी के द्वारा तो तानाजी इस जंग में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस किले का नाम कोंडाना किले से बदल कर सियागढ़ रख देते हैं। सबसे इस किले का नाम सियागढ़ पड़ गया। तो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये है तिलक बंगला, बाल गंगाधर तिलक बंगला ऐसा इसको कहते हैं। तो लोकमान्य तिलक यहाँ पर कभी कभी आया करते थे रहने के लिए। तो 1915 में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक की मुलाकात पहली बार यहीं पर हुई थी। तो श्री लोकमान्य तिलक ने इस बंगले को रामलाल नंदराम नायक से खरीदा था 1890 में। ही यूज टू स्टे हेयर इन समर, यहाँ पर वो कभी कभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर वो आया करते थे समर में रहने के लिए। आर्कटिक होम इन द वेदास इसी का रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च का नाम है, बुक पूरी छपी हुई है, आप लोग गूगल करके इस पे डीप में पढ़ सकते हो। 1901 में ये कंप्लीट किए, मई जून के महीने में इन्होंने कंप्लीट किया था। जो एक और बुक था जो इन्होंने लिखा था जिसका नाम रखा गया था लोकमान्य तिलक गीता रहस्य, पब्लिश हुआ 1915 में। यहाँ पे लिखा है कि 1915 में पहली बार लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी मिले थे। जो हम लोगों ने अभी आपको दिखाया कि मस्त हम लोग कॉर्न चाट वगैरह और भेल वगैरह और चना वगैरह खा रहे थे, तो उन्होंने अपना हॉटस्पॉट दिया एंड देन हम लोग वहाँ से उनको पे किए। कहीं कहीं पर आपको कोई कोई मिल जाएगा ऐसा जो आपको हॉटस्पॉट देगा, तो आप वहाँ से करके पे कर सकते हो। पूरा क्लियर व्यू आ रहा था, अभी फिर से फॉग आ गया, हवा चल रही थी, जब वहाँ पर पीक पे गए थे लोग वहाँ पर अगर वो ये फॉग हटा रहता ना तो और अच्छा व्यू आता। अगर आपको चाहिए कि नज़दीक में थोड़ा कम कष्ट करना पड़े, थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़े और आपको एक अच्छा लोकेशन मिल जाए और ट्रैक वगैरह भी उतना ना रहे, किला विला का व्यू मिल जाए मस्त, शहर के नज़दीक में रहे, तो अगर आप सियागढ़ फोर्ट नहीं आए हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप आओ यहाँ पर, कहोगे मज़ा आए। So I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Hop into the cockpit, I can be your rocket.
बस रोड से निकलते निकलते एंड करेंगे। जो अपन बता रहे थे कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा घाट है वहाँ पे संभल के आने के लिए, तो सब हम आपको दिखा देंगे अभी। बस अब निकलते हैं और दिखाते हैं So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mindset? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right. अभी काम है शाम में, नहीं तो अगर थोड़ा टाइम और रहता तो मैं वहाँ पर जाता। वो वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे शिवलिंग। हाँ वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ से भी अच्छा लोकेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इधर घाट पे आ रहे हो तो कहीं पे भी रुक जाना, यहाँ पर बना हुआ है प्रॉपर वैसा रुकने के लिए, तो वहीं पे रुकना। जहाँ पे भी लिखा है नो पार्किंग ना, वहाँ पे मत ही रुकना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये था सीगढ़ का वीडियो, अब हम निकलते हैं घर के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।